देखिए, अभी तो नवंबर तक, जैसे मैं हम बार बार कह रहा हूँ, सॉरी सितंबर तक, चीज़ों को और ख़राब किया जाएगा। ठीक मेरे अल्फाज पे गौर करें, किया जाएगा, ठीक है? क्यों? ठीक इसलिए कि ये जो ऑन गोइंग IMF प्रोग्राम है, ये सितंबर में ख़त्म होगा। ठीक तो या तो हम इसको एक्सटेंड कराएंगे इसी को 1-2 साल के लिए, या एक नए प्रोग्राम के लिए 3 साल के लिए जाएंगे। सो यू हैव टू बिल्ड अ केस कि डॉक्टर अशफाक ऐसे आदमी के भी मुंह को चुप कराना पड़ेगा कि अशफाक भी कहेगा कि यार अब तो कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, इतनी तुम्हारी हालत खराब हो गई है, जाओ चले जाओ IMF के पास में। तो ठीक मुझ जैसे लोगों को चुप भी तो कराना है ना, इसलिए चीजों को मजीद खराब किया जाएगा। इतने हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी कि वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू दी IMF, क्योंकि बाहर से पैसे आने के, जो हम जाके इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करके भी पैसे हासिल कर सकते हैं, वो एवेन्यूज को भी बंद कर दिया गया है। तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू दी IMF। तो फिर आप जैसे तो जो लोग भी मुल्क फिर सितंबर में IMF में यही बात जाएगा, कहेंगे फिर 3 साल यही भुगतेंगे जो आप आज भुगत रहे हैं। और उन 3 सालों बाद ये जो सख्त हम है, कहाँ ये होंगे? मजीद गहरा होता अगर जाएगा, 3 साल आप इसी इसी माहौल में रहेंगे ना, ठीक रोज जिएंगे, रोज मरेंगे, रोज जिएंगे आप।